हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत किया जाता है। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता का धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हम सबों को सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। पिता का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारा महान है, दयालु है, वो राजाओं का राजा है, करुणा निधि है हमारा पापा, ठीक है। पिता का धन्यवाद करिए जो पिता ने आप सभी को संभाला है, सुरक्षित रखा, आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। पिता का हम धन्यवाद करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है। हम सभी से पाप गलती गुना होते हैं तो पिता के सामने मानेंगे, ठीक है, मगर हमें ज़्यादा पाप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो पिता हमारा हमें स्वर्ग नहीं देगा, क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह रहता है वह जगह पवित्र है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। पिता के सामने अपने पापों को मानिए, अंगीकार करिए, छोड़िए उन्हें। यीशु मसीह का वचन कहता है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्राण बचना जरूरी है। यदि हमारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा है, सब कुछ है, और यदि मैं मरकर नर्क में ही चला जाऊँ, अपनी आत्मा को ही नाश कर दूँ, तो धन दौलत और पैसा और आराम किस काम की, वो शांति किस काम की, वो पैसा किस काम का मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमारा उद्धार होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बीमारी में, अगर दुखों में, अगर चिंताओं में, अगर आप तकलीफों में, तो पिता से बताएंगे, हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, किसी मनुष्य के सामने रोने की गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक है। विश्वास से इस प्रार्थना को सुने और लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें, ठीक है। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान अल्फा ओमेगा और अंत हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आपके ना कोई तुल्य है और ना कोई उपाय का इस जगत में। मेरे प्रभु मुर्दों को जिलाने वाले, अंधों को दृष्टि देने वाले, कुड़िए पाइजों को शुद्ध करने वाले पिता प्रभु आप हैं, यीशु पापा आप हैं। यश, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं यीशु पापा। प्रभु होने दे मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जो आपने सभी को मेरे प्रभु जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है प्रभु। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता कितने तो अन्य जाति होंगे पिता, मनुष्य होंगे जो मर गए होंगे पिता, और वे धनवान की साइड चले गए होंगे पिता, जहाँ का धुआं युगान युग उड़ता रहता है, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते प्रभु। वो कैसा स्थान है मेरे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझेगी, जहाँ के कीड़े नहीं मरेंगे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी जो आपने हम सभी के पापा को क्षमा कर दिया है और उद्धार कर दिया, छुटकारा कर दिया यीशु पापा। इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। पिता जो बीमार हैं मेरे प्रभु, जो तमाम इलाज दवाइयां करा चुके हैं प्रभु, फिर भी वे नहीं ठीक होते मेरे प्रभु, आपके नाम से आदेश देते प्रभु वे चंगे हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, समस्या आपके नाम से मेरे प्रभु। जो हॉस्पिटल में बीमार है, एडमिट है प्रभु, नहीं ठीक होते मेरे प्रभु, हम चाहते पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छुएं मेरे स्वामी यीशु पापा, आप छुएं इन्हें, चंगाई छुटकारा दीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु, हर एक जनों को छू लीजिए, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता हम सभी को माफ़ करना, क्षमा करना मेरे प्रभु, जो भी हम सभी से पाप गलती गुना हुई मेरे प्रभु आप माफ़ करें, क्षमा करें मेरे प्रभु। जो मुंह के द्वारा पाप हुआ, आँख के द्वारा पाप हुआ है, मन के द्वारा पाप हुआ है मेरे प्रभु, हाथ के द्वारा पाप हुआ है मेरे प्रभु, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि मनुष्य निर्बल है, कमजोर है, हम पापी मनुष्य पाप पे गिर सकते, बिखर सकते मेरे प्रभु, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु, क्योंकि पिता आप ही के पास ये अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा कर सकते, ढाप कर सकते प्रभु। मेरे पिता आपका वचन कहता है, प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, हिम की नहीं उजला श्वेत कर दूंगा। पिता ने कहा है पहले तुम आज्ञा होकर मेरी मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो मेरे प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु, आप माफ़ करें, आप क्षमा करें मेरे प्रभु,
पिता हम जानते प्रभु हम पापी मनुष्य हैं पिता, हम आपके वचन पर नहीं चल पाते प्रभु, चलते हैं फिर पाप में गिरते हैं प्रभु, आप माफ करें मेरे प्रभु। आपने कहा है जिस मार्ग पर तुमको चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चलाऊंगा मेरे प्रभु। मेरे पिता आपने ऐसा कहा है अपने वचन में मेरे प्रभु। मेरे पिता आप मददगार करने वाले, सहायता करने वाले, अगुवाई करने वाले, रक्षा करने वाले पिता आप यीशु पापा। महान पिता हम आपकी तारीफ करते हैं, महान जीवते पिता हम आपकी महिमा करते बड़ाई करते हैं यीशु राजा। यश हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे प्रभु। ओन देश पापा हम उनके लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते मेरे प्रभु जिन बहनों के बच्चे नहीं होते प्रभु, जिस कारण से किस कारण से नहीं होते प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, हम मानव जाति हैं प्रभु। पिता हृदय मन को जांचने का अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे पिता। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है प्रभु इनके शरीर में मेरे पिता आप जानते हैं मेरे प्रभु। आप इन्हें बच्चे दीजिए मेरे स्वामी। पिता जो रसोलियाँ हैं कुछ भी समस्या है प्रभु आप उन्हें छुए मेरे प्रभु, आप ब्लेस करें मेरे प्रभु। जिस प्रकार से मेरे पिता अपने सारा को बच्चे दिए थे मेरे प्रभु, इतनी उम्र में मैंने मेरे पिता आप उससे बच्चे दिए थे मेरे पिता, इस बहनों को बच्चे दीजिए मेरे स्वामी। जिन बहनों को पिता चाहिए, जिन बहनों के नहीं होते मेरे प्रभु, जो समस्याएं हैं कि जीवन में पिता आप दूर करें मेरे स्वामी। महान पिता आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप प्रभु के प्रभु, वेदों के वेद हैं, राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु यीशु पापा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार करते यीशु राजा, जय जयकार करते मेरे प्रभु। मेरे पिता होने दे पिता जो गरीब हैं, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने लगे नहीं मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, जाति लोग इनकी बेइज्जती करें मेरे पिता। ये 100-200 रुपए पर पिता किसी से उधार लेने ना पाए पिता, प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे प्रभु। आप इनका जीवन संभालिए प्रभु। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे प्रभु। आपके नाम से मांगते पिता, आपके नाम से पुकारते मेरे प्रभु। मेरे पिता के घरों के प्रयास से हम डेल दीजिए, गरीबी दूर कर दीजिए, पैसों की घटी पूरी कीजिए प्रभु। इनके हाथ मांगने नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने लिए बना दीजिए मेरे स्वामी। इनके हाथ देने लिए हो जाएं, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने लिए बन सके यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु राजा। आप महान है, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हारी क्या हो सकता है पिता। आप हमारी जरूरतों को जानते हैं प्रभु कि हम सभी को क्या चाहिए प्रभु, इसलिए आपने कहा पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी, मिल जाएंगी मेरे प्रभु। आपने कहा मेरे पिता, इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु। होने दे यीशु पापा, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। जो रात में नहीं सो पाते, डर लगता, भय लगता, गंदे अपने ख्याल विचार आते प्रभु, हम चाहते पिता यीशु की नींद आने पाए मेरे प्रभु, कोई गंदा डरावना सपना ना आने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब यीशु की नींद आएगी प्रभु। आपने अपने वचन के माध्यम से कहा है मेरे प्रभु पिता, आपने सब वचन में कहा है प्रभु पिता। हर एक मसीह भाई बहनों की सहायता करें, मदद करें पिता, उठते बढ़ते खाते पीते हर हरण मोर जगह पर सहायता करें प्रभु मेरे पिता। जो लास्ट में अमीन भरकर रशीव किए हैं इस प्रार्थना को पिता, उनकी जरूरतों को, उनकी बीमारियों को, उनकी इच्छाओं को दूर करें और पूरी करें इनकी इच्छाओं को प्रभु पिता। ये छोटी सी बिनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य जुलाओ नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।